गुरु बाबा रामदेव के एक बयान ने देश में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। नोएडा में सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कैंपस में छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे कि अमित शाह और मोदी जिंदा रहे। मेरे बाप ऐसे थे, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मेरे सामने ये चुनौतियाँ थी, वो चुनौतियाँ थी, आप इसके बारे में कभी सोचने की आवश्यकता नहीं, आप परफॉर्म कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने परफॉर्म किया तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनकर के बैठा है। परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अमित शाह जी, जिसको चिदंबरम ने साजिश करके जेल में डाला था, अब वो मजे ले रहा है। बात ये देखो, ये इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी ये अमित शाह उसको उठा करके अपमानित करके कि उनको ठोकने की, ये अमित शाह तो जेल में सड़ के मर जाएगा और मोदी को फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि खून सोनिया गांधी जी उनके बारे में क्या बयान दिया आप सबको पता है। इन यद्यपि मेरा आंतरिक प्रेम है दोनों के साथ में, आंतरिक बातें भी जानते हैं, लेकिन वो सबके बीच में कहने की नहीं होती है। इतनी बात जरूर है कि दोनों को जिंदा नहीं देखना चाहते थे ये खानदान जिसने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, लेकिन उन लोगों ने प्रतिशोध की भावना से तो काम किया होता तो आज शायद राहुल जी और सोनिया जी भी कहीं और होते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। वहीं रामदेव ने देश में मंदी को लेकर अजीब ही बयान दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी खेत में हल चलाने नहीं जाएंगे। खेत में जाकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई तेजी लाने के लिए मोदी जी हल चलाने वाले तो है नहीं। फैक्ट्रियों में जाकर के मोदी साहब कोई फैक्ट्रियां तो नहीं चलाएंगे। हाँ, देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी, देश की इंडस्ट्री की पॉलिसी, देश के ट्रेड की पॉलिसी, देश के टैक्सेशन की पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज, उसके ऊपर ही सरकार ने श्रेष्ठतम कार्य किया है। सही कहा बाबा, सरकार खेत में हल चलाने और फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएगी, लेकिन देश को आर्थिक मंदी से उबारने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है। ये आप कहाँ समझेंगे, क्योंकि आप पर मंदी का असर कहाँ होता है। नोएडा से न्यूज के लिए कौशल आलम की रिपोर्ट।